हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। 18 तारीख है, आज गुरुवार है। तो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। सुबह सुबह 7 बज रहे हैं, देखो माहौल कुछ ऐसा है, धूप आया है। और मेरे दो महारानी महाराजा लोग, सॉरी एक महारानी एक महाराजा लोग अभी भी सो रहे हैं। तो इन लोगों को बोल रहा हूँ, उठ जाओ भाई, सुबह हो चुका है। क्योंकि सुबह सुबह उठने से ना कुछ अलग ही मतलब वो फील आता है। तो चलो, मैं तो फिलहाल निकल रहा हूँ, बाकी का ब्लॉगिंग गणेशी करेगी। तो गणेशी से मिलो, उसके बाद मैं मिलता हूँ शाम से। हेलो बेटा, मैं जोशुआ को दिखा देता हूँ कैसे खेल रहे हैं, ठीक है? जोशुआ, ओ मेरे बेटा, ओ मेरे जोशुआ, क्या हुआ बेटा? गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग दीदी लोग। हेलो मेरा बेटा जोशुआ, आपके दीदी लोग देखो तो आपका देखना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। गाइस, गुड मॉर्निंग या गुड नाइट या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग जरूर लिख के भेजना, जितना टाइम भी देखते रहोगे। ये तो मस्त सो रहा है। हे गाइस, तो अभी 8 बज रहे हैं और हम उठ गए हैं। मैं अभी कंघी वंघी करने वाली हूँ, क्योंकि जैसे उठी हूँ वैसी हूँ मैं। अभी पानी गर्म कर रही हूँ नहाने के लिए, नहाऊंगी तो नहीं फ्रेश होंगी। अपने टिंगों को छोड़ दी हूँ, ये देखो मस्त खेल रहा है ये शांति से। तो मुंडी सीधा रखो ना बेटा। इसको मैं ये लगा के देती हूँ तो ये अपने हाथ से फेंक देता है। एंड गाइस, बहुत सारे लोग ने रिकमेंड किया है इसके लिए सरसों का तकिया बनाने का, वो मैं बनाऊंगी। लेकिन इलियास को मैं बोलती हूँ कि सरसों लेके आना, तो वो भूल जाते हैं हमेशा। वो आज लेके आएंगे तो मैं कल इसके लिए जरूर से तकिया बनाऊंगी, या फिर देखते हैं खरीद के भी अगर मिल जाता है तकिया ऑलरेडी बना बनाया तो और अच्छी बात है। वैसे मेरे बाबू का मंडी गोल गोल है। अपने ससुर कर दिया सुनो, बोलते हैं गाइस की प्रेगनेंसी मतलब सॉरी डिलीवरी के बाद बाल बहुत झड़ते हैं, इसीलिए है ना मैं इसको बाल को हमेशा गुथ के रखती हूँ ताकि इसमें लट ना पड़े। और शायद अभी तक मेरा बाल नहीं झड़ा है, 1 महीना होने को है, लेकिन देखते हैं आगे को क्या है। मैं तो वैसे भी प्रेयर कर रही थी कि मेरा बाल ना झड़े, मेरा बाल नहीं झड़ना चाहिए। अभी इसने सुसु कर दिया ना, अभी इसको भूख लग रहा होगा। गाइज, अभी 10 बज चुके हैं और मेरा एक ही काम हुआ है अभी तक, सिर्फ बाबू को नहलाना और इसको रेडी करना। अब ये सोने वाला है लेकिन सो नहीं रहा है। जब ये सोएगा तो मैं आगे का काम करूंगी, खुद फ्रेश होंगी। 10 तो बज चुके हैं, मुझे भूख भी लग रही है। अभी ये सो जाए बस जल्दी से, फिर मैं जाऊंगी खाना खाने, उसके बाद ही मैं फ्रेश हो पाऊंगी क्योंकि मुझे शरीर में ताकत भी तो चाहिए। सो गाइज, अभी मैं भी फ्रेश हो गई हूँ, बाबू यहाँ पे सो रहा है और मैं खाना खा रही हूँ। और पता नहीं कौन बच्चा है इतना बदमाश, मन कर रहा है ना अगर वो पकड़ा गया इतना मारूंगी मैं उसको। पता क्या हरकत कर रहा है, यहाँ बेल का स्विच है, उसको दबा के भाग रहा है बार बार। और एक तो यहाँ पे मेरा बच्चा सो रहा है, पता है बच्चे का सोना कितना जरूरी है। पकड़ा गया, बहुत मारूंगी मैं, दिखाऊंगी मैं आप लोगों को एक बार पकड़ा जाए। इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को, कोई भी बच्चा। तो अभी शाम हो गया है गाइज, और मैं जा रही हूँ छत पे कपड़ा लेने के लिए। मैं आप लोगों को दिखाऊं हमारे यहाँ सीढ़ी पे क्या रखा हुआ है। ये देखिए, ये हमारा स्लिक, ये सब रखने का काम आता है। और ये है इमली इस बोरी में, इस बोरी में है बेर, ये देखिए इसमें भी है बेर, और पता नहीं वो सब में भी कुछ कुछ है। अगर मैं अच्छी खासी होती चंगी बली तो हूँ, लेकिन अगर मैं खा सकती ये सब तो मैं खाली होती। कल मैं सपने में देखी कि मैं इमली खा रही थी जो मैं नहीं खा सकती अभी, खट्टा चीज। और बेर भी नहीं खा सकती, बेर भी खट्टा है ना। ये देखिए मेरे बच्चे का नैपकिन कैसे उड़ा पड़ा है, यहाँ पर सूखा है मिर्ची। तो मिर्ची तो पता नहीं कब से लगाए थे, आप लोग मिर्ची का व्लॉग देखते आ रहे हो और अभी तक मिर्ची आ ही रहा है, पता नहीं कब खत्म होगा मिर्ची। गाइज, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूंगी, आप लोग देखने को तैयार है? चलो दिखाती हूँ। ये है हमारा पपीता का पेड़, और इस पपीता के पेड़ में क्या है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए पपीता के ऊपर क्या बैठा हुआ है, लिजार्ड। गिरगिट कलर बदल, ग्रीन कलर का रहना चाहिए इसको, पर ये तो अपने ही कलर में बैठा हुआ है भाई। सच बता रही हूँ, मैं आज तक गिरगिट को कलर बदलते हुए नहीं देखी, बस सुनी हूँ कि गिरगिट कलर बदलता है। आप लोगों ने देखा हो तो जरूर से कमेंट करके बताना, मैंने तो नहीं देखा और मैं देखना चाहती हूँ। ये देखी हूँ कि गिरगिट अलग अलग कलर में मिलते हैं, रेड कलर में, ब्लू नहीं थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर में, और ब्राउन में तो सबसे ज्यादा देखी हूँ, लेकिन कलर बदलते हुए कभी नहीं देखी। तो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो कमेंट जरूर से करना। ओके, ये हमारे घर का व्यू जो कुछ इस तरह है। घर का दरवाजा बंद है, घर में कोई भी नहीं है मेरे और बाबू के अलावा। बाबू नीचे है, सो रहा है, उसको सोना पसंद है इसलिए वो सोता रहता है। एंड गाइस, ये है हमारा बाउंड्री, यहाँ पर बन गया है सीढ़ी, आप लोग देखे होंगे। ये नीचे से ऊपर उस घर में जाने के लिए है, कल को ये पूरा पैक हो जाएगा। हमारे छत से इस गांव का व्यू बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, मैं आप लोगों को दिखाऊं। ये देखिए यहाँ से हो रहा है सनसेट, होने का टाइम है, हुआ नहीं है। और ये रहा कुछ ऐसा है हमारा गाँव। ये हमारे मम्मी पापा, मम्मी का तबीयत कुछ खराब है इसलिए पापा उनको हॉस्पिटल लेके गए थे चेकअप कराने के लिए। प्रिस्का और टिंगू भी यहाँ पर आ गए, मम्मी कुछ खाने का लाई है देखने के लिए।
मेरा बेटा सो के उठ गया गाइस। हेलो शनू, गर्मी लग रहा है बेटा? तो चलिए गाइस ऊपर चलते हैं, ऊपर मतलब हमारे कच्चे वाले घर में खाना वहीं बनता है ना, तो थोड़ा हेल्प कर देंगे। काम अभी शुरू नहीं हुआ, भाभी आई नहीं है, आ रही है बेचारी, थकी हारी रहती है। पानी वाला काम को छोड़ के मैं बाकी काम कर सकती हूँ, तो मैं खाना वाना बना दूंगी। मेरा बेटा बड़े मजे से सो रहा है, उसको यहाँ पर सुला देती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे कुछ कीड़े हैं जो लाइट के पास आते हैं। तो कितने महीनों बाद मैं आग जला दी हूँ गाइस, फाइनली मेरे से जल के बहुत बड़ी खुशी हुई मुझे। अब चलाएंगे हम गंज। तो यहाँ पे मेरा सब्जी बन रहा है गाइस, करेले का सब्जी, प्योर करेला, दाल बन चुके हैं, चावल भी बन चुका है। मेरा दूसरा फोन नीचे ही है, तो मैं अभी नीचे उसको लेने जा रही हूँ। गाइस अभी रात हो गई है और मैं खाना वाना खा ली हूँ, मेरा बेटू खाना सब्जी मैं बनाई, तो बेटू का मैं आज मालिश नहीं कर पाई। वैसे तो मैं इसको 7-8 बजे तक मालिश कर देती हूँ, लेकिन आज 9 बज चुका है खाना खाते खाते, तो मैं सोची कि इसको सोने से पहले ही मालिश कर दूंगी तो अच्छे से सोएगा। तो अभी मैं इसको लेके जा रही हूँ मालिश करने के लिए। ये इसका शाम का रूटीन है, सुबह शाम इसका मालिश होता है ना, नहाने के बाद सुबह होता है, और अभी करती हूँ मैं। तो चलो मैं जा रही हूँ गाइज, मैं अपने बेटू का भी मालिश करने वाली हूँ, और अभी इसको पोछी पाछी कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इधर है ना, इधर ऐसे ऐसे दूध वूध गिर जाता है। फिर मैं इसको तेल से मसाज करूंगी, बाकी वीडियो नहीं दिखाएंगे क्योंकि स्ट्राइक आ जाता है। बेटू देखो मेरा बेटा कितना प्यारा दिख रहा है। सो गाइज इनसे मिलिए, ये है मेरे पति जी, जिनके बैठने का स्टाइल देखिए, खाते टाइम कैसे बैठे हैं, ऐसे बैठ के खाना चाहिए क्या? बहुत भूखे हैं गाइज, सुबह बस खाए थे, दोपहर में नहीं खाए थे, रात में खा रहे हैं बेचारे, बहुत मेहनत करते हैं। ये देखिए गाइज मेरे बेटे को मालिश करवाने के बाद कितने अच्छे से प्यार से सो रहा है मस्त, और दिखाते हैं कि इसका बाप क्या कर रहा है बाहर पे। यही सोने का इरादा है क्या? नहीं ऐसे बात नहीं है, हमारे को ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है यहाँ पे, यही बिस्तर बना लो। सही में तो पे अकेले नहीं सोना है आपको, हम दो भी हैं। मेरे बच्चे के छोड़ के कैसे सो सकता हूँ? मुझे छोड़ के सो सकते हैं, बच्चे को नहीं छोड़े? नहीं, यही होता है गाइस, बच्चे आने के बाद प्रायोरिटी घट जाता है, इसे नहीं होना चाहिए ना। मुझे भी उतनी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए जितना बच्चे को। कहाँ जा रही है? मैं नहीं रहूंगी, बाथरूम तो बना नहीं थे, अभी फिलहाल जा रही हूँ बाहर, बाहर मतलब बाहर वाला बाथरूम। चलो जाएंगे सोने, बेटा अकेले सो रहा है, बाबू को छोड़ के यहाँ पे आके भाषण मार रही है। मैं तो आपको बुला गई, आप अंदर जाओगे तो मैं बाहर जाऊंगी ना। तो गाइस आई होप आप सबको इस ब्लॉग को अभी तक देखे एंड तक, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ज्यादा से ज्यादा यार व्यूज नहीं आ रहा यार, मजा नहीं आता, व्यूज नहीं आता, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाता। सो गुड नाइट गाइस, मैं भी सोने जा रही हूँ, बाय।